नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस वक्त मैं जिनके साथ बैठा हूं उनकी फिल्मों के नाम लूंगा तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस महान हस्ती के साथ बैठा हूं, मल्टी टैलेंटेड हस्ती के साथ बैठा हूं, जो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं और फिल्म विधा की तमाम तकनीकी जानकारी के जानकार हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ सुनील दर्शन साहब की, और जिनकी फिल्मों के नाम में बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इस समय जिन फिल्मों का जश्न मना रहे हैं उन फिल्मों की अगर बात करें तो अजय है, जानवर है, दोस्ती है और ऐसी तमाम फिल्में। हम हर फिल्म की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी कहानी है, यहाँ पे खजाना है कहानियों का। और इस हफ्ते जश्न मनाया जा रहा है इनकी इन फिल्मों का, मैं आपको अपने उसमें ज़रूर दिखाऊँगा विजुअल में। तो ये जश्न मनाया जा रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं इस जश्न के लिए खासतौर पर। थैंक यू वेरी मच संजय, क्योंकि सिनेमा जो है वो लोग अक्सर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या सेलिब्रेट कर रहा हूँ, लेकिन वाकई मैं ऐसा फील करता हूँ कि सिनेमा जो है अभी एक बहुत ही इम्पॉसिबल टू अचीव एक इवेंट सा हो गया है। मैं मेरे हिसाब से पहले हम सिनेमा बनाया करते थे, आजकल कॉन्टेंट बनता है, तो सिनेमा और कॉन्टेंट की जो डिस्पैरिटी है उसको समझते हुए मैं समझता हूँ सिनेमा बनाना कितना मुश्किल हो चुका है। और इसलिए वो हर सिनेमा, वो हर एक एक्सपीरियंस जो है, जो एक ज़िंदगी जो एज अ फिल्म मेकर मैंने जी है, तो वो 14 फिल्में जो है जो मैंने बनाई वो 14 जिंदगी हैं मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है, बड़े प्यार से आपने एक एक फिल्म बनाई है। आपका जब मैं ऑफिस एंटर करता हूँ तो मुझे ऐसा, देखिए इस समय जो फिल्म बॉलीवुड में जो माहौल बना हुआ ऐसा है कि एक स्टूडियो है वो फिल्म बनाता है तो बड़ा बाजार बाजार सा फील होता है, लेकिन एक आपके ऑफिस में परिवार सा फील होता है। और तब पता चलता है कि बॉलीवुड कुछ परिवारों का समूह है, यहाँ पर बहुत प्यार है और जिसको फिल्म विधा से प्यार है, एक एक फ्रेम से प्यार है, वो फिल्म बनाता है और जैसे आपने फिल्में बनाई हैं। थैंक यू संजय। और आपने इस परिवार को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, कैसे शुरुआत हुई थी, कहाँ से? मैं एक फिल्म फैमिली की पैदाइश हूँ। मेरे दादाजी ने पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसका नाम तेरी याद था, दिलीप कुमार के भाई साहब थे हीरो उस फिल्म में, तो वो फिल्म प्रोड्यूस की थी। और उसके बाद मेरे जो नाना जी थे वो बहुत ही एक 50s और 60s में एक पॉपुलर कमर्शियल फिल्म मेकर थे, डायरेक्टर थे, उनका नाम नाना भाई भट्ट था। उनकी बेटी मेरी मदर शीला थी, और मेरे फादर एक फिल्म हिंदी प्रोड्यूस कर रहे थे जिसका नाम उस्ताद था, और उस फिल्म में नाना भाई डायरेक्टर थे, अशोक कुमार जी हीरो थे, 1957 की बात है। एंड दैट्स व्हेन माय फादर एंड माय नाना एंड माय नानी डिसाइडेड दैट्स दे वांटेड टू गेट देयर डॉटर मैरिड टू दिस बॉय। तो उन्होंने उससे पहले भी कुछ फिल्में बनाई थी, लेकिन उस्ताद वॉज अ सिग्निफिकेंट फिल्म जिसे कहते हैं। उसके बाद उन्होंने 6-7 फिल्में और बनाई जिसमें नया संसार थी, सैमसन थी, बहुत बहुत कामयाब फिल्म थी, पासपोर्ट थी मधुबाला और प्रदीप कुमार के साथ। उसके बाद उन्होंने ये रात फिर नाएगी बनाई, जो कुछ टाइम पहले एक दिल्ली के बहुत ही बड़े एडिटर हैं सिनेमा के, जर्नल के, उन्होंने लिखा कि अगर मैं क्लासिक 40 फिल्म गिनता हिंदुस्तानी सिनेमा की तो उसमें इस फिल्म को ज़रूर रखता। बहुत कामयाब म्यूज़िक था ओपिनियर जी का उसमें। फिर उन्होंने कहीं दिन कहीं रात बनाई, और उसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत मध्य सेंट्रल इंडिया जिसे कहते हैं उसके बहुत ही मतलब प्राइम जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर रहे। और इसलिए एक सिनेमा का फैमिली में सिनेमा था, ब्लड में सिनेमा था, अंकल्स आंटीज कज़न्स सभी सिनेमा से जुड़े हुए थे, सिनेमा जीते थे हम। और एक ख्वाब था कि भाई किसी दिन हमको भी मौका मिलेगा, जो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था क्योंकि हमेशा जो चीज़ यू नो बहुत करीब होती है कभी कभी उससे अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्या बात है, हमेशा जो चीज़ सबसे ज़्यादा करीब होती है कभी कभी उसे अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और यही, लेकिन मैं बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में था, सिडनम कॉलेज में था, और जब उसके बाद मैंने सोचा कि जो सिनेमा मैंने देखा वो दो टाइप का होता था। एक सिनेमा उस ज़माने में बॉम्बे, साउथ बॉम्बे से लेकर नॉर्थ बॉम्बे तक सीमित होता था, और एक सिनेमा होता था जो थाना क्रीक क्रॉस करने के बाद शुरू होता था और पूरे इंडिया में चलता था। तो मैंने सोचा था कि बॉम्बे का सिनेमा जो है, मैं तो बॉम्बे का पैदाइशी हूँ, बॉम्बे का रहने वाला हूँ, तो
भाई ये सिनेमा तो मैं जानता हूँ भाई, ये कितना खूबसूरत होता है, कितना सेंसिटिव होता है, कितना ही अप मार्केट होता है, यहाँ हॉलीवुड का बहुत इन्फ्लुएंस भी था। मैं सोचा क्यों ना ये क्रीक जो है पार करके हिंदुस्तान में जाऊँ। और ये सोचते हुए मैंने अपने फादर की कंपनी थी, जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ज्वाइन की 1981 में, श्री कृष्ण पिक्चर्स उस कंपनी का नाम था इंदौर में, और वहाँ लगा था कुछ 500 फिल्में, हमारे टाइटल्स, हमारे मेजर टाइटल्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से वितरित हुआ। और वहाँ से जाके बहुत एक अलग ही तजुर्बा, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हिंदुस्तान, हिंदुस्तानीपन जो होता है, हिंदुस्तानियत जो होती है, वो सब चीज़ों का वहाँ से मुझे डिफरेंस जो था हमारे बॉम्बे हाइट और उसमें, वो देखता रहा। वहीं पे मैंने एक कई फिल्मों की कहानियाँ जो मैंने बाद में बनाई, वो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरित हुई। जैसे मैंने एक फिल्म की कहानी लिखी जिसका नाम मेला है, जो बाद में वीनस ने प्रोड्यूस किया आमिर खान के साथ। तो वो मेला कहाँ से, बॉम्बे तो मेला लगता ही नहीं, तो एक बॉम्बे वाले ने एक मेला फिल्म लिखी, तो उसको उसने मेले के कुछ नॉनसेंस, कोई क्या मेला की, मेले की अहमियत क्या होती है कि हिंदुस्तानी के ज़िंदगी में, वो वहाँ से सीखा मैंने। नहीं तो मतलब वहाँ से इंस्पायर हुआ, हिंदुस्तान को समझा, और शायद इसीलिए एक अर्बेन बॉम्बे सिटी का एजुकेटेड लड़का जो है, उसका सिनेमा कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी इमोशंस जो यूनिवर्सल हैं मैं समझता हूँ, लेकिन जो कुछ हमारा है वो हमारा है, और उन इमोशन से डिराइव होता हुआ सिनेमा मैंने क्रिएट किया। लगभग आप देखिए सारी फिल्मों में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो डीपली ओरिएंटल इमोशंस से कनेक्ट होता है मेरे सिनेमा में। तो उसके बाद 1987 में मैंने अपनी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर लॉन्च की, इंतकाम। उसमें जो बहुत टॉप कमर्शियल डायरेक्टर्स थे, जैसे मनमोहन देसाई थे, प्रकाश मेहरा थे, और उनमें एक राजकुमार कोहली नाम था, और उनको डायरेक्टर लिया, और उनके साथ उनकी फिल्मों में हमेशा सीनियर स्टार्स होते थे, छः हीरो होते थे। तो मैंने कहा नहीं, इस सारे अप्रोच को चेंज करके हम एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें जितने ही एक्टर्स के साथ आपने काम किया था, स्टार्स के साथ, उनके जगह हम मैं सनी देओल ले आता हूँ, अनिल कपूर ले आता हूँ, मीनाक्षी शेषाद्री ले आता हूँ, किमी कैट का ले आता हूँ। तो यू नो डायरेक्टर वेटरन थे, लेकिन जो बाकी टीम थी वो एक यंगर टीम आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये सोच के वो फिल्म लॉन्च की। 1988 में फिल्म रिलीज़ हुई, क्योंकि सेंसर ने उस फिल्म को बहुत ज़्यादा उस ज़माने में ट्रिम किया, तो मैं उसकी जो कमर्शियल सक्सेस थी वो लिमिट हो गई। लेकिन एक बहुत अच्छा तजुर्बा था, अ गुड स्टार्ट, बड़ी फिल्म, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक यू नो ये सब उस फिल्म के वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो उसके बाद सोचा अब आगे नेक्स्ट, अगला कदम क्या। तो मेरे ब्रदर जो था वो डायरेक्टर बनना चाहता था, और उसके साथ मैंने मिलके उसको लॉन्च किया। सेकेंड फिल्म लुटेरे थी, और लुटेरे में नाम तो उसी का है एज अ राइटर एंड अ डायरेक्टर, लेकिन इन द हर उस फिल्म के हर डिपार्टमेंट में जैसे वो उसका कंट्रीब्यूशन था, वैसे मेरा भी था एज अ ऑफिशिएटिंग एज अ प्रोड्यूसर। फिर उसमें सनी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, पूजा बेदी और अनुपम खेर थे। बहुत बेहतरीन म्यूजिक था एज अ फिल्म भी, वो बहुत ही यूनिक फिल्म थी अपने वक्त की। कमर्शियल होने के बाद ये क्लास था उस फिल्म में, एक आप अगर उस फिल्म का कोई भी सीन देखेंगे तो आप सिर्फ देखेंगे नहीं, आप उसको महसूस करेंगे। वो क्वालिटी थी उस फिल्म की। वो फिल्म बहुत कामयाब रही और एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी और इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद धर्मेश ने टिप्स वालों की राजा हिंदुस्तानी साइन की, और आमिर खान के साथ आगे वो बनाने चले गए। मैंने अपने प्रोडक्शन में अजय लॉन्च की सानी देओल और जूही चावला के साथ। कुछ दिन शूटिंग होने के बाद जूही के साथ रियलाइज़ हुआ कि उनकी डेटों का प्रॉब्लम था, और सानी देओल बहुत बड़े स्टार थे, उनकी डेटों का तो प्रॉब्लम रहता ही था। तो ऐसा डिसाइड किया कि उसके जगह एक अच्छी यंग विविशियस लड़की मिली, जो करीना करिश्मा कपूर थी, कुछ थोड़ा बहुत काम कर चुकी थी लेकिन वहाँ तक अब सक्सेस नहीं आई थी। तो करिश्मा कपूर को, करिश्मा कपूर की जो भूख थी ना सिनेमा करने की, वो मुझे फील हुई कि बहुत इन्फेक्शियस है, इसके साथ इसको साइन करता है। जूही के वो करिश्मा से रिप्लेस किया, अजय फिल्म बनाई, उसको 2 साल उसको बनाने में लगे। 1996 के लास्ट
10 days में जो थी वो फिल्म रिलीज़ हुई, और एज अ डायरेक्टर मुझे मेरी पहली कामयाबी, पहली फिल्म और वो भी पहली कामयाबी मिली। उस फिल्म का बिजनेस बहुत अच्छा, कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन एक कमर्शियल फिल्म को भी एक स्केल दे के, एक होता है ना एक एलिवेशन दे के उस फिल्म को बनाया गया, एंड इट डिड वेरी वेल ऑल्सो। तो भाई एज अ डायरेक्टर वहाँ इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म भी सनी देओल के साथ ही बनाना था, क्योंकि एक रीज़न था को जो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मैं भी ऐसा पहले इनिशियली जब उसके साथ काम कर रहा था तो हमेशा ही फील होता था कि भाई एक कंटिन्यूटी होती है, यानी एक कंफर्ट जोन होता है, लेकिन वो कंफर्टेबल बहुत नहीं होते हुए भी वो स्टारडम उनकी बहुत बढ़कर ही हैड बिकम अ वेरी बिग स्टार, और कुछ कंपल्शंस थी। तो भाई चौथी फिल्म भी उनके साथ ही बनाने की का फैसला किया गया, और उन्होंने कुछ डेट्स अलॉट की थी उस फिल्म के लिए, लेकिन मैंने उनको जब उस फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्होंने कहानी सुन के मुझे कहा, मैंने बहुत उस कहानी पे और स्क्रिप्ट पे बहुत वर्क किया था, और पूरे भरोसे के साथ उनको सुनाई कि यार मैं तुम्हारी बेस्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये सोच के। तो जब उन्हें सुनाई तो उनका रिएक्शन कुछ अजीब था, उन्होंने कहा यू नीड टू वर्क मोर ऑन द स्क्रिप्ट सुनील। जानवर की बात करें? जी हाँ, वो स्क्रिप्ट जानवर का था। मैं बोला नहीं, कुछ धोखा है यहाँ पे, क्योंकि जानवर की जो स्क्रिप्ट थी वो वाकई बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट थी। मेरा ये पूरा भरोसा था कि अगर मैं नॉन एक्टर नॉन स्टार के साथ भी ये फिल्म बनाऊँ, ये कहानी में इतनी ताकत है, यू नो, और मैं जानता हूँ उस फिल्म को, ये फिल्म नस नस में यू नो तैर रही है। तो आई सेड नो इट डजंट वर्क, ये कुछ गड़बड़ है, और वाकई वो कुछ गड़बड़ ऐसी थी उसमें। तो वो सेंस करने के बाद आई मूव्ड ऑन, या किसी और के साथ ही फिल्म बनानी पड़ रही है मुझे। तो एक और बहुत बड़े स्टार थे, उन्होंने मुझे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट मुलाकात में कहा ऑफकोर्स मैं आपकी फिल्म करना चाहता हूँ। तो बस उनसे मुलाकात होकर साइन करने का दौर ही था कि एक दिन पहले साइन करने से मुझे कॉल आया, और वो अक्षय कुमार थे। मेरी अक्षय कुमार से उससे पहले कुछ चंद मिनट सेकेंड होता है एक मुलाकात जैसी थी, उससे ज़्यादा कुछ पहचान नहीं थी। तो उसका मुझे फ़ोन आया और अक्षय ने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर जी, क्या मुमकिन है? मैं हाँ ज़रूर, आज ही मिलते हैं।